हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और बार एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे व्लॉगिंग कैमरा के बारे में जो मैंने रिसेंटली बाय किया, विच इज गो प्रो हीरो 9 एक्शन ब्लैक वाटरप्रूफ कैमरा। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे गोप्रो के बारे में एंड उसके साथ जो जो एक्सेसरीज मैंने परचेस किए उसके बारे में। तो ये जो बॉक्स है ये मुझे एक्सेसरीज के साथ मिला था बिकॉज मैंने एक्सेसरीज का पूरा सेट परचेस किया था, उसमें ऑलमोस्ट 50 क्वांटिटी है। तो अभी उसमें से भी आपको क्या यूजफुल है क्या नहीं है वो सारे डिटेल्स मैं आपको इसमें दे दूंगा। तो पहले हम बात करेंगे गोप्रो के बारे में। ये गोप्रो का बॉक्स है। ये टाइम पे बॉक्स में गोप्रो ने काफी सारे चेंजेस किए। ये टाइम पे किसी भी टाइप का प्लास्टिक वो लोगों ने यूज नहीं किया, रिसाइकलेबल मटेरियल यूज हुआ है ये टाइम पे बॉक्स में, विच इज गुड। गोप्रो जब आप बाय करते हो तो उसके साथ आपको कैमरा आएगा, टाइप सी चार्जर पिन आएगा एंड एक ये 3M का स्टिकर रहेगा जो आप कहीं पे भी परमानेंटली स्टिक कर सकते हो एंड एक ये माउंट आएगा। तो जो एक्चुअली मुझे गोप्रो के साथ मिला था वो मैंने मेरे बाइक पे फिट किया है, स्कूटी पे लगाया है, कुछ इस तरह से मैंने मेरे बाइक पे इसको फिट कर दिया है। एंड ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं ये एक्सेसरीज का जो सेट मैंने मंगाया था उसके साथ आए, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स जो जब आप नई कोई चीज परचेस करते हो उसके साथ मिलना ही है। तो इसमें आपको दिया है कि गोप्रो को आप यूज कैसे कर सकते हो, आप लुक देख सकते हो इसका। तो ये है गोप्रो हीरो 9 एक्शन ब्लैक वाटरप्रूफ कैमरा। सबसे बुरी बात यह है कि इसके साथ आपको ना मेमोरी कार्ड मिलेगा ना एक्स्ट्रा बैटरी मिलेगा। ऑब्वियसली वन बैटरी से कुछ होने नहीं वाला तो आपको एक बैटरी अलग से परचेस करना ही पड़ेगा। तो मेमोरी कार्ड भी मैंने ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का अलग से परचेस किया एंड गोप्रो का बैटरी भी मैंने अलग से परचेस किया जो ऑलमोस्ट 2100 का है। तो गोप्रो के साथ ये सब मिलना चाहिए जो कि नहीं दे रहे। तो मेमोरी कार्ड मैंने जो खरीदा था वो था संडेस का एंड बैटरी ऑब्वियसली मैंने गोप्रो का ही लिया। और भी सारे ऑप्शंस आते हैं बैटरी में बट बेटर रहेगा आप गोप्रो का ही खरीदो। गोप्रो ऐसा क्लेम करता है कि गोप्रो का बैटरी 1 आवर एंड 40 मिनट तक चलेगा, तो बेटर है आप गोप्रो का ही बैटरी परचेस करो। तो आप बात करते हैं गोप्रो के कुछ फीचर्स की। ये कैमरा में मुझे सबसे बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट ये लगी कि इसके दोनों साइड में स्क्रीन दी हुई है, यहाँ ये साइड में भी आपको स्क्रीन मिलेगा एंड ये साइड में भी आपको छोटा सा स्क्रीन मिलेगा। तो इससे व्लॉगिंग करने में काफी हेल्प होने वाली है बिकॉज आप खुद को देख पाओगे, जो कि पहले गोप्रो के जितने भी कैमरा है उसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो ये टाइम पे ये काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट लगा मुझे। दोनों साइड में भी जब आपको स्क्रीन मिलती है तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड व्लॉगिंग करते वक्त आप खुद को देख पाओगे। सेंसर की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 23.6 मेगापिक्सल है जिससे आप 4K एंड 5K वीडियोस भी शूट कर सकते हो, विच इज क्वाइट गुड। तो चलो आप बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में जो कि यहाँ पे रहता है, एक्चुअली यू कैन इजीली रिमूव। तो इस तरह से आप इसका बैटरी निकाल सकते हो, इस तरह का ये बैटरी आता है, 1720 mAh का बैटरी है ये, विच इज 30% बिगर देन गोप्रो 8। गोप्रो क्लेम करता है कि इसका बैटरी 1 आवर एंड 40 मिनट तक चलेगा, बस एक ही है कि एक बैटरी आपको कैमरा के साथ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए जो कि नहीं मिलता। सो एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप कैमरा स्टार्ट करोगे एक रेड लाइट है, आप देख सकते हो वहाँ पे एक रेड लाइट है जो ब्लिंक करेगा दोनों साइड, ये साइड में भी और ये साइड में भी ये रेड लाइट ब्लिंक करता है। तो ये लाइट से आपको पता चलेगा कि आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी की। तो गोप्रो ऐसा क्लेम करता है कि ये गिम्बल लेवल स्टेबिलिटी देगा आपके वीडियोस को। तो मैंने इसको ट्राई किया, जो ये माउंट मुझे मिला था जो मैंने मेरे स्कूटी पे लगाया, तो मैंने उससे कुछ वीडियो शूट किए। तो एक्चुअली इसका जो स्टेबिलिटी है वो काफी अच्छा है, इवन मैंने स्पीड ब्रेकर्स पे भी ट्राई किया
तो एक्चुअली जो वीडियो का स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं हिला। तो ये जिस तरह से गोप्रो ने क्लेम किया है वो एक्चुअली उस पर खरा उतरा है। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है वीडियोस की। तो बाइक पे यूज़ किया मैंने इसको, अंडर वाटर यूज़ किया, काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे। सो नो डाउट दिस इज़ आउटडोर कैमरा, एडवेंचर कैमरा, बट यू कैन यूज़ इट एज अ इंडोर कैमरा एज वेल। सो यू कैन यूज़ इट एज अ वेब कैमरा। आजकल जूम मीटिंग्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली सबको एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत होती है। सो आई डोंट थिंक सो कोई और बेटर ऑप्शन होगा इसके अलावा। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप आपके गोप्रो को ही एज अ वेब कैमरा यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो एंड अगर आपके पास ये कैमरा है गोप्रो हीरो 9, तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई और कैमरा कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इसका ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ऑडियो क्वालिटी अच्छा है तो आपको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा माइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिनेमैटिक एंगल्स ले सकते हो। इसमें आपको सबसे अच्छा ऑप्शन दिया है सुपर वाइड का, तो वाइड एंगल तो इसमें मिल ही रहा है, सुपर वाइड भी दिया हुआ है। मतलब अगर आप एकदम नज़दीक से कोई चीज़ अगर आपको शूट करनी है तो भी वो पूरा कवर करेगा, ठीक है। तो सुपर वाइड एंगल मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। आप 4K में फोटो शूट कर सकते हो। फोटोज़ भी मैंने ट्राई किए, फोटोज़ का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है इसमें। टाइम लैप्स निकाल सकते हो आप इसमें। सो ओवरऑल गोप्रो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, गोप्रो हीरो 9। एक ही चीज़ मेरे को बुरी लगी, जब भी आप 4K में वीडियो शूट करोगे 10 वीडियो में एक बार ये हैंग करेगा। ये गोप्रो का प्रॉब्लम काफ़ी पहले से चल रहा है, गोप्रो हैंग करता है। स्पेशली 4K में जब आप शूट करोगे तो ये हैंग करेगा। तो फिर इसके लिए एक ही ऑप्शन है, आपको इसको ओपन करके जब तक आप इसका बैटरी नहीं निकालोगे एंड अगेन इंसर्ट नहीं करोगे तब तक ये चालू नहीं होता या फिर ये काम नहीं करेगा। तो अगर गोप्रो इतने सारे इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो आपको शूट करना होता है एंड उसी में अगर ये हैंग हो गया तो आपका वो मोमेंट मिस होता है। तो मुझे लगता है गोप्रो को इस पे ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल इट इज गुड। तो आप बात करते हैं इसके एक्सेसरीज के बारे में। एक्सेसरीज का मैंने पूरा किट खरीदा है, 50-in-1 माउंट एंड स्ट्रैप्स, रबस्ट्रियन करके ब्रांड है उसका, मैंने एक्सेसरीज परचेस किया है। मैंने काफ़ी सारे एक्सेसरीज चेक किए बट मुझे इसका फीडबैक अच्छा लगा एंड अमेजोन पे इसका रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है, तो मैंने फाइनली यही ऑर्डर किया है। काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज है मेरे पास, तो उसमें से कुछ यूजफुल है कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्या क्या है वो मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूँगा। पहले तो ये बैटरी, जैसे मैंने आपको बताया ये बैटरी मुझे एक्सेसरीज के साथ नहीं मिला है, ये मैंने अलग से परचेस किया है। एंड ये मेरा ट्राइपॉड टाइप है, ट्राइपॉड नहीं सेल्फी स्टिक ही बोल सकते आप, जिससे आप गोप्रो के साथ अलग अलग एंगल ले सकते हो, जो भी एंगल आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, लाइक दिस देन यू कैन यूज इट एज अ सेल्फी स्टिक। तो ये भी मैंने अलग से परचेस किया है, ये आया था मुझे कुछ 1000 रुपीज़ का। तो इससे मैं मेरा शूट पूरा इससे करता हूँ। फिर मैंने मेरे गोप्रो के लिए ये रबर कवर खरीदा है और अमेजोन पे अवेलेबल है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और बाकी की जो एक्सेसरीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो बाकी सारे एक्सेसरीज है एक्सेप्ट ये कवर, ये सेल्फी स्टिक एंड ये बैटरी, बाकी पूरा ये बॉक्स के अंदर मुझे आया, ठीक है। तो अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लोटी से। तो ये है फ्लोटी, अगर आप रिसॉर्ट या फिर पानी में जा रहे हो तो फ्लोटी कैरी करना मत बोलना, बिकॉज ये काफ़ी यूजफुल है एक्चुअली। अगर ये मुझे इसके साथ नहीं मिलता तो मैं इसको अलग से परचेस करता था, बिकॉज ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप पानी में शूट कर रहे हो एंड आपके हाथ से अगर आपका गोप्रो छूट जाता है तो ये गोप्रो को लेके पानी के ऊपर फ्लोट करेगा लाइक दिस, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी रहेगा। तो ये काफ़ी यूजफुल है, आप इस तरह से इसको फिट कर सकते हो गोप्रो के साथ। तो ये फ्लोटी एक्चुअली काफी यूजफुल है। सेकेंड एक्सेसरीज है चेस्ट माउंट, आप हैंड फ्री हो सकते हो, जैसे कि इसको आपने चेस्ट पे फिट किया फिर आपको हाथ हाथ में गोप्रो कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप जो भी सीन दिखाओगे गोप्रो शूट कर लेगा। मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ ये आपको कैसे काम करेगा।
इस तरह से आप इसको फिट कर सकते हो एंड ऑब्वियसली जैसे आप मूवमेंट करोगे तो पूरा रिकॉर्ड होता रहेगा। अब इसमें भी एंगल सेट करते हो तो आपको कैसा चाहिए, जो भी आपको कंफर्टेबल है आप उसको उस तरह से फिट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से देख भी सकते हो कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, लाइक दिस। सो रिकॉर्ड हो रहा है, अगेन बैक टू पोजिशन लाइक दिस। सो ये काफ़ी यूजफुल है मेरे लिए, तो ये काफ़ी यूजफुल है बिकॉज मैं ट्रेकिंग पे जाता रहता हूँ एंड ऑब्वियसली अभी तक तो ऐसे डिफिकल्ट एक चंदन वैली का ट्रेक छोड़ के ऐसा इतना डिफिकल्ट ट्रेक कोई किया नहीं, जो आगे मैं करूँगा तो वो टाइम पे मुझे ये काफ़ी यूज होगा। तो अब बात करते हैं बैग माउंट की। ये है बैग माउंट, यहाँ पे आपका गोप्रो फिट होगा एंड यहाँ पे आप आपकी बैग के साथ इसको अटैच कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका बैग एंड यहाँ पे आपने इसको स्टिक किया इस तरह से, तो यहाँ से आप जैसा चाहिए वैसा शूट कर सकते हो। तो अगर मैं बैग ऐसे कैरी कर रहा हूँ तो मेरा शूटिंग ऑटोमेटिकली होता रहेगा, मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे लिए ये इतना यूजफुल नहीं होगा। अब बात करते हैं हेड माउंट की। तो ये है हेड माउंट, तो चेस्ट माउंट जो रहेगा उससे आप सिर्फ स्ट्रेट वाले लुक शूट कर पाओगे। बट ये जो रहेगा हेड माउंट, आपका जो भी हेड का मोमेंट रहेगा उस हिसाब से ये शूट करेगा। तो चाहे फिर आप वो ट्रैक कर रहे हो, कोई पहाड़ चढ़ रहे हो या फिर बाइक पे हो, बाइक पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो जैसे आपका हेड मोमेंट करेगा ये पूरा शूट करता रहेगा। तो इसका काफी यूज होने वाला है, बाइक माउंट बोलते हैं इसको। तो ये भी आपके बाइक का या फिर साइकिल का जो भी साइज रहेगा स्टेयरिंग का उसके हिसाब से एडजस्ट करके आप इसको फिट कर सकते हो। तो ये भी यूज होगा अपने लिए बिकॉज ज़्यादातर अपने राइड जो है वो बाइक पे होते हैं, तो ये एक यूज हो सकता है। सेल्फी स्टिक मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मजबूत है एकदम, एक्सेसरीज है उसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो सेल्फी स्टिक आप देख सकते हो, काफी ऊपर से आप एंगल शूट कर सकते हो एंड इसका क्वालिटी भी काफी अच्छा है। अब बात करते हैं व्रिज बेल्ट की। तो गाइस ये है व्रिज बेल्ट, इससे भी आप अच्छे से शूट कर सकते हो एंड इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है एंड ये 360 डिग्री मूवमेंट करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं कार माउंट की, ये देख सकते हो आप। तो ये है कार माउंट, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसको स्टिक कर सकते हो। मैं घर में इसको मेरे कवर्ड पे ट्राई करता हूँ तो ये काफी अच्छे से स्टिक हो रहा है। देख सकते हो आप, सो कवर्ड पे ये काफी अच्छे से स्टिक हो रहा है, निकल भी नहीं रहा है। तो ये सब एक्सेसरीज मैंने परचेज किए अमेजोन से, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ। बाकी और भी छोटे मोटी चीजें हैं जो मेरे को नहीं लगता यूज होने वाली है, बट हाँ ये माउंट्स ये काफी एक्स्ट्रा है मुझे, ये जो माउंट्स आते हैं जिससे आप गोप्रो फिट करते हो, देख सकते हो यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है एंड ऑलरेडी मैंने सबके साथ एक एक लगा दिया है। तो एक और लगाने वाला हूँ मैं मेरे बुलेट पे एंड ये आप ऐसे स्टिक नहीं कर पाओगे, आप इसके लिए आपको जरूरी है ये 3M स्टिकर्स। सो ये लगेगा इसके पीछे ऐसा एंड फिर रेड स्टिकर आप निकालोगे तो फिर आपको जहां पे भी आप परमानेंटली स्टिक करना चाहते हो ये स्टिक हो जाएगा। तो देखते हैं अभी कौन सी एक्सेसरीज यूज होती है, कौन सी नहीं होती है। तो ये सारे डिटेल्स थे अपने गोप्रो के बारे में एंड एक्सेसरीज के बारे में। तो ठीक है गाइस, यही सब था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर मैंने कुछ मिस किया रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। सो थैंक यू सो मच। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।